दिन में निकलता था खेत पगडंडी होते हुए निकलता था, और जहाँ पे इसको लगता था कि अकेली महिला है वहाँ, जहाँ आसपास कोई ना, ऐसी महिला को अप्रोच करता था, और जब महिला द्वारा विरोध किया जाता था तो ये अचानक से हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और उसके बाद हत्या कार्य कर देता है। जो छह घटनाएं थी हत्या की, थाना क्षेत्र शाही और शीशगढ़ की, जो वर्कआउट नहीं हुई थी उनको हम लोगों ने वर्कआउट करते हुए आज एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसका नाम कुलदीप पुत्र कामुना थाना क्षेत्र नवाबगंज का रहने वाला है। इसके द्वारा ये छह की छह हत्याएं कबूली गई हैं। सभी घटनास्थलों पर साथ में हम लोगों को लेके गया है। इसका पारिवारिक बैकग्राउंड डिस्टर्ब रहा है, इसकी एक सौतेली माँ थी जो इसको लगता है कि इसकी जो सगी माँ थी उनके साथ मारपीट इसके पिताजी के द्वारा की जाती थी। उसके बाद इसकी शादी हुई, इसकी पत्नी भी इसकी हिंसक प्रवृत्ति की वजह से 2018 के लगभग इसको छोड़ के चली गई, जिस वजह से इसके अंदर एक महिलाओं के प्रति एग्रेशन था, और उसी एग्रेशन के कारण ये नशा करने लगा, भांग और शराब का नशा करता था। लगभग पिछले 1.5 साल से ये उसी एरिया में अपने 3 रिश्तेदारियों में जगह बदल बदल के रहता था, और ये दिन में निकलता था खेत पगडंडी होते हुए निकलता था, और जहाँ पर इसको लगता था कि अकेली महिला है किसी सुनसान एरिया में वहाँ, जहाँ आसपास कोई ना, ऐसी महिला को अप्रोच करता था, और जब महिला द्वारा विरोध किया जाता था तो ये अचानक से हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और उसके बाद हत्या कार्य कर देता है। तक हत्या कार्य करने का एक ही तरीका है, गला दबा के, और जो भी महिला ने साड़ी या सूट जो पहना हुआ है, या तो चुन्नी से या साड़ी के पल्लू से, उसके गर्दन के अराउंड बाईं तरफ बहुत तेज़ी से नॉट मारते हुए, ये सारी हत्याओं में एक कॉमन फैक्टर निकल गया है। तो इससे अभी ये चीज़ें सामने आई हैं, इसको घटनास्थलों पर भी हम 6 के 6 घटनास्थलों पर ले गए, इसकी PCR लेंगे पुलिस कस्टडी रिमांड लेते हुए, और डिटेल में इससे पूछताछ की जाएगी। जिस टीम ने ये इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है उनको मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। आगे की वेचना हम लोग स्पेशल टीम से इसकी इंश्योर करें। महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया था, राष्ट्रीय महिला आयोग ने, और उसके बाद इस पूरी घटना का पटाक्षेप आप लोगों ने किया है जी? नहीं, जो घटना 3 जुलाई को हुई थी उसके बाद से ही हम लोग लगातार लगे हुए थे, और ऑपरेशन तलाश के नाम से एक हम लोगों ने मुहिम छेड़ी थी, इसमें एक टीम 22 टीम बनाई गई थी, और उनका हम लोग डेली रात के टाइम पर ब्रीफिंग डिब्रीफिंग करते थे कि अगले दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, और अलग अलग रोल्स थे सब टीम्स के, और हम लोग कॉमन फैक्टर्स को एनालाइज करते हुए ऐसे लोगों पर फोकस किया गया जो इस तरह की घटना कारित कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की, डॉक्टर्स की भी सलाह ली गई कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की घटना कारित कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट की भी सलाह ली गई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की सलाह ली गई कि ऐसे घटनास्थलों से क्या कॉमन ट्रेड्स निकल के आ सकते हैं, और उसके बाद ये फोकस करते हुए स्केच जारी करके मुख्य व्यक्ति को पढ़ा गया। कुछ बरामदगी भी हुई है? हाँ, इससे बरामदगी 2 घटनास्थलों से जो उसमें हसिया जो प्रयुक्त हुई थी वो हम लोगों ने बरामद की है। कुछ ना कुछ सिंबॉलिक रख लेता था ये आपने? हाँ, ये इसको अगर आप क्राइम क्रिमिनोलॉजी के टर्म्स बोलोगे तो ये ट्रॉफी के तरह बोला जाता है कि आदमी क्राइम सीन से कुछ ना कुछ लेके जाता है, जो अपराधी है इस तरह का किलर है जो, तो ये लेके जाता था। तो इसके पास से एक ब्लाउज का टुकड़ा, लिपस्टिक, बिंदी और 2 हसिया बरामद हुई हैं, और 1 आधार कार्ड भी इसके पास से बरामद हुआ है। बाकी और घटनास्थलों पर भी हम इसको विस्तृत के PCR लेंगे तो और लेके जाएंगे। मानसिक रूप से भी बीमार है या फिर? मानसिक रूप से बीमार नहीं कहेंगे, ये नशा जरूर करता है, लेकिन ये जो भी इसको बहुत क्लियरिटी है, अगर इसको खेत में किसी अकेली महिला को टारगेट करना है तो फिर ये इंश्योर करता है कि आसपास कोई ना हो। तो मानसिक रूप से बीमार नहीं है, वो फोकस्ड है, जिस भी चीज़ को करना चाहता है उसके, जो घटनाएं इसके द्वारा हत्या की घटनाएं कारित की गई उनमें बहुत फोकस्ड रहा है, बहुत केयरफुल रहा है, और वो बहुत इस चीज़ को लेकर भी चौकस है कि वो सामान्य रूप से सबके सामने चीज़ें नहीं बताता है, उसको बहुत अलग तरीके से टैकल करते हुए, हैंडल करते हुए, तब उससे पूछताछ करके ये चीज़ें हम लोगों के सामने आई हैं, और फिर हम इसको घटनास्थल पर लेके गए और वहाँ वीडियो कर। थैंक यू। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।